गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, 2022 रहा है वो बॉलीवुड के लिए बहुत ही बुरा साल रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतनी बॉलीवुड की फिल्म आई है वो ज़्यादातर फ्लॉप ही गई है। और ज़्यादातर जो बॉलीवुड है रीमेक्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो बॉलीवुड है साउथ की पूरी छाप देता है, उनमें से कुछ चल पाती है और कुछ नहीं चल पाती। जो मूवी हिट जाती है उसका मतलब ये होता है कि जो ऑडियंस है हिंदी ऑडियंस, उन्होंने साउथ की फिल्म वाली देखी नहीं होगी, इस मारे वो हिट चली जाती है। वरना तो बॉलीवुड अब रीमेक्स करता है सारी मूवीज़ की। अब अपना अब वो बॉलीवुड नहीं रहा है जो पहले का अपना कंटेंट लाता था, लेकिन अब जो है बॉलीवुड कॉपी करता है, अपना खुद का कंटेंट नहीं बनाता है। इस मारे बॉलीवुड जो है रीमेक के लिए पॉपुलर हो चुका है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बॉलीवुड में 2022 में मूवीज़ आई है रीमेक्स, उनमें से कितनी हिट गई है और कितनी फ्लॉप गई है। उनमें से हम किसी 7 मूवीज़ के बारे में जानेंगे जो हिट गई हैं या फिर फ्लॉप गई हैं। तो गाइस, पहले आपको मैं बता दूं कि जो जो रीमेक और इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है। रीमेक का मतलब होता है पूरी मूवी छाप देना, और इंस्पायर्ड का मतलब होता है कुछ सीन्स या कुछ डायलॉग जो है वो खाली कॉपी करना, वो इंस्पायर्ड होता है। और पूरी मूवी छाप देना और डायलॉग छाप देना वो होता है रीमेक। तो वैसे इन दोनों का डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी था इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो वही सब चलते अपनी वीडियो की तरफ। अब आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी, और वीडियो अंत तक देखना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की, जो साल में 4 मूवीज देते हैं। उनकी 18 मार्च 2022 को एक मूवी आई थी बच्चन पांडे, जो कि जो साउथ तमिल की मूवी है जिगर ठंडा की कॉपी थी। और जो जिगर ठंडा है वो खुद एक साउथ कोरियन मूवी की कॉपी थी, जिसका नाम था कार्निवल, अ डर्टी कार्निवल नाम था। और जो बच्चन पांडे है उसका बजट रखा गया था 180 करोड़ का, और उसने कलेक्शन किया था 73.17 करोड़ का, जो कि बहुत ही कम रह गया उसके बजट के हिसाब से। इस मारे जो ये मूवी है ये फ्लॉप चली गई थी। और दूसरे पे आती है हमारी विक्रम बेदा, जो कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की है, जो कि अभी आई थी। उसकी डेट थी 30 सितंबर 2022। ये भी ओरिजिनल मूवीज़ का नाम था, मतलब ये साउथ की विक्रम बेदा से जो है रीमेक थी, जिसके अंदर आर माधवन सर थे। लेकिन जो साउथ वाली थी वो तो हिट गई थी, जिसका बजट रखा गया था विक्रम बेदा का, ऋतिक रोशन वाली का 100 करोड़, पर इसने कलेक्शन किया था 135.3 करोड़ का। ये मूवी हिट गई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि जो ऋतिक रोशन है वो एक टैलेंटेड एक्टर है, जिस वजह से ऑडियंस जो है उन्हें पसंद करती है। इस मारे उनकी जो ये मूवी थी वो अच्छी गई थी, यानी हिट गई थी रीमेक होने के बाद भी। तो तीसरे बात है दृश्यम 2, ये तो अभी हाल ही में रिलीज हुई है 18 दिसंबर 2022 को, जिसको जो ये भी साउथ की मूवी दृश्यम से ही कॉपी है। जो दोनों पार्ट इसके दृश्यम के, वो साउथ की दृश्यम और दृश्यम 2 से कॉपी है। जो कि साउथ वाली है वो इस हमारे चर्चा में नहीं आई, क्योंकि वो जो है OTT पर रिलीज हुई थी, और ये जो है थिएटर में रिलीज हुई थी। इस हमारे जो है ये जो हिट चली गई, जिसका बजट रखा गया था 50 करोड़, और उसने कलेक्शन किया था 343 करोड़ का, जो कि एक ब्लॉकबस्टर थी अजय देवगन की। और चौथे नंबर पर आती है हमारी लाल सिंह चड्ढा, ये भी जो है हॉलीवुड से रीमेक थी, जो 1994 अमेरिकन मूवी थी, उसका नाम था फॉरेस्ट गंप। जो लाल सिंह चड्ढा वो रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2022 को, और इसका बजट रखा गया था 180 करोड़ का, पर इन्हें कलेक्शन किया था 129.64 करोड़, जो कि फ्लॉप हुई थी। ये भी अक्षय जो आमिर खान है वो अपनी मूवीज़ जो है कुछ सालों बाद लाते हैं, 4-5 साल बाद लाते हैं, लेकिन जो उनकी मूवी जो हिट जाती है ब्लॉकबस्टर जाती है, जैसे आप दंगल देख लीजिए, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, 2000 करोड़ से ज़्यादा ही कमाई कर रखी है। सब यही सोच रहे थे कि जो मूवी हिट जाएगी, पर ये रीमेक होने के बाद जो है ये फ्लॉप चली गई, क्योंकि एक रीमेक थी, क्योंकि सब ने ओरिजिनल मूवी देख रखी थी, इसमारी ये जो है रीमेक चली गई। और पांचवें नंबर पर आती है 2 बार, जो कि तापसी पन्नू की थी। ये भी एक जो है रीमेक थी स्पेनिश मूवी की, जो 2018 में आई थी, जिसका नाम था मिराज। ये जो 2 बार मूवी तापसी पन्नू की रिलीज हुई थी 23 जून 2022 को, और जिसका बजट रखा गया था 30 करोड़ का, और उसने कलेक्शन किया था 6.77 करोड़। ये डिजास्टर मूवी थी थिएटर के अंदर, क्योंकि जो ये फुल रीमेक थी, और इसको लोग देखना ही पसंद नहीं करना थे, इस मारे ये जो है फ्लॉप गई थी। और छठे नंबर पर आती है शाहिद कपूर की जर्सी, जो कि साउथ से ही रीमेक है, जिसका नाम जर्सी था। और जो जर्सी है शाहिद कपूर वाली, ये रिलीज हुई थी ये 22 अप्रैल 2022 को, जिसका बजट रखा गया था 80 करोड़, और उसने कलेक्शन किया था 27.9 करोड़ का, जो कि ये भी बहुत बुरी पिटी थी थिएटर्स के ऊपर। जो शाहिद कपूर है वो कबीर सिंह के अंदर, जो कबीर सिंह थी वो तो हिट गई थी, लेकिन वो भी रीमेक ही थी। वो रीमेक जो हिट इस मारे गई थी, क्योंकि जो है साउथ वाली रियल वाली वो किसी ने यहाँ पर देखी नहीं थी हिंदी में,
मूवीज हमारे जो है उसे हिंदी में रीमेक करके यहाँ पे जब थिएटर में रिलीज किया था वो हिट चली गई थी और ये फ्लॉप हो गई। और सातवें पे आती है हिट द फर्स्ट केस, ये भी जो गाइज ये थी हमारी राजकुमार राव की, ये भी जो आई थी ये आई थी हमारी 15 जुलाई 2022 को, जिसका बजट रखा गया था 30 करोड़ का और इन्हें कमाए थे 11.78 करोड़। जो ये मूवी है ये भी एक डिजास्टर आई थी थिएटर्स के ऊपर। ये भी जो मूवी है ये साउथ से ही रीमेक है, जिसका नाम भी इसका नाम तो था हिट द फर्स्ट केस, लेकिन साउथ वाले का नाम था उसका नाम था हिट द सेकंड केस। जो मेजर मूवी अभी देखी होगी उसके अंदर जो हीरो है वो भी इसी के अंदर हीरो थे। तो बस ये थी बॉलीवुड की 7 रीमेक मूवी जो कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।